कर्ण का दुर्भाग्य तो देखिए, माता कुंती उन्हें जन्म तो दिया पर गंगा जी में बहा दिए। उनके पिता अजरक उन्हें शस्त्र विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए, परंतु उन्हें गुरुकुल में सिर्फ राजपुत्रों को ही शिक्षा मिलता है कहकर मना कर दिया। कर्ण ने फिर गुरु परशुराम जी के पास शिक्षा लेना चाहा, पर गुरु परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने ब्राह्मण बनकर उनसे शिक्षा प्राप्त किया। एक दिन गुरु परशुराम कर्ण के गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे कि एक खतरनाक कीड़ा आकर उनसे काटने लगा। कर्ण अपने गुरु के विश्राम को भंग ना होने दिया। जब गुरु परशुराम जी विश्राम से जागे तो उन्हें कर्ण के सहनशीलता पर शक होने लगा और क्रोध में श्राप दे दिया कि तुम झूठ बोलकर हमसे शिक्षा प्राप्त किया, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। जिस दिन तुम्हें इस शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस दिन ये शिक्षा तुम्हारी कोई काम नहीं आएगी। परिणाम के स्वरूप कर्ण को अर्जुन के हाथों वध होना पड़ा। अब महाभारत में कर्ण चरित्र से कितना प्रभावित है कमेंट कर जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं कि क्यों कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धस गया था? एक बार कर्ण खेती को नष्ट कर रहे जंगली सूअरों को भगाने के लिए अपने धनुष बाण लेकर गया, पर गलती से कीचड़ में फंसे बछड़े पर सूअर समझकर बाण चला दिया और बछड़े की मृत्यु हो गई। बछड़े की माँ बिलख बिलख कर रो रही थी। गाय का मालिक एक ब्राह्मण आकर कर्ण को श्राप देने लगा कि कर्ण क्षमा याचना की, परंतु ब्राह्मण ने कहा, तुम तो दानवीर हो, क्या इस बछड़े का जीवन दान दे सकते हो? फिर ब्राह्मण कर्ण को श्राप दिया कि जिस रथ पर चढ़कर तुम बछड़े और ब्राह्मण से ऊंचे हो जाते हो वही रथ एक दिन तुम्हें त्याग देगा। भूमि तुम्हारे रथ के पहिये को निगल जाएगा जब तुम अपने जीवन का महत्वपूर्ण युद्ध कर रहे होंगे। परिणाम तो आप जानते हैं कि अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध में कर्ण के रथ के पहिये भूमि में धस गया और कर्ण अपने रथ के पहिये को निकालने के लिए खूब कोशिश की, पर उसी अवस्था में अर्जुन उसका वध कर दिया। आप अगर महाभारत में कर्ण चरित्र से प्रभावित है तो एक लाइक कर्ण के लिए जरूर कीजिए। क्या आप जानते हैं कि क्यों कर्ण युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव को हराने के बाद भी उनका वध नहीं किया? एक दिन कर्ण जब सूर्य पूजा कर रहे थे कि माता कुंती उनके पास आकर अर्जुन का जीवन दान मांगा। कर्ण उस वक्त किसी को रीते हाथ नहीं लौटाते। कर्ण ने माता कुंती को ये वचन दी कि आप 6 पुत्रों के माता है, ये तो केवल सूर्य देव आप और मैं जानता हूँ। आपके 5 पुत्र जीते अवश्य रहेंगे। यदि मैं वीरगति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा, और यदि अर्जुन वीरगति को प्राप्त हो गया तो मैं बचूंगा। आपके 5 पुत्रों की गिनती कभी कम नहीं होगा। और कर्ण कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनने के बाद भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव के साथ भयंकर युद्ध किया, परंतु उन्हें युद्ध में हराने के उपरांत भी उनका वध नहीं किया और अर्जुन के हाथों अपना जीवन दान में दे दिया। ये है दानवीर कर्ण की महानता। आपके प्रिय कर्ण के लिए आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कमेंट में जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं कि क्यों गुरु परशुराम कर्ण को श्राप दिया था? कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण जब अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध करने जा रहे थे तो सोते समय गुरु परशुराम जी कर्ण के सपने में आए। कर्ण अपने गुरु को एक दिन के लिए ही सही उनके श्राप से मुक्त करने के लिए आग्रह किया। गुरु परशुराम जी कर्ण को दर्शन दिया और कर्ण को कहा कि इसी एक दिन के लिए ही तो मैंने तुम्हें श्राप दिया था। इस धर्म युद्ध में वासुदेव कृष्ण के होते हुए तुम विजय हो भी गए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम कंगाल हो जाओगे। तुम दानवीर कर्ण हो, दान के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। इस धर्म युद्ध में अपना जीवन रूपी दान दो कर और मेरी आशीर्वाद की छाया में आओ कर। और परिणाम में अर्जुन के साथ युद्ध करते समय कर दिव्यास्त्र को आह्वान कर ही नहीं पा रहे थे और अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। आपके प्रिय कर्ण के लिए आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कमेंट में जरूर लिखें।